आज के इस वीडियो में आप जानोगे अगर आप डिजिटल सेवा पोर्टल से पैन कार्ड बनाते हो, पैन कार्ड अप्लाई करते हो यूटीआई से, तो आप सबको पता होगा कि आपके ग्रुप में एक नोटिफिकेशन आ गया होगा कि आपने जो भी पैन कार्ड बनाए हो अभी तक वो आपको भेजना पड़ेगा रिलीजन ऑफिस में। यूटीआई का जो भी रिलीजन ऑफिस है उसमें आपको ये सारा डॉक्यूमेंट भेजना पड़ेगा। तो चलिए क्या बता के रखा है सीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में, और साथ में अगर आप किसी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के ग्रुप में हो तो वहाँ भी आपको देखने को मिला होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं हम सर्विस में और यहाँ सर्च कर लेते हैं सबसे पहले पैन कार्ड का सर्विस, वहाँ पर क्या लिखा हुआ है पहले वो देख लेते हैं, फिर आपको इस पर कंप्लीट जानकारी देंगे। अगर आपको भेजना है सारा डॉक्यूमेंट्स तो कहाँ पर भेजना है, कौन सा एड्रेस में भेजना है, साथ में कैसे भेजना है, ये सारी जानकारी देने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पैन कार्ड के रिलेटेड सभी सर्विस यहाँ पर आ गया है। हालांकि यहाँ पर सीएससी में एनएचडीएल वाला सर्विस बंद करके रखा है। अगर आप यूटीआई से बनाते हो तो यहाँ पर क्लिक करते होंगे, फिर यहाँ पर क्लिक करी में क्लिक करते ही ये लॉगिन हो जाता है। कुछ भी नया अपडेट आने के बाद यहाँ पर इसके नोटिफिकेशन लगा देता है। तो यहाँ पर एक ध्यान से देखोगे तो अटेंशन फॉर अटेंशन और यूजर, तो यहाँ पर एक अटेंशन दिया गया, इसे हम इंग्लिश को हिंदी में कर लेते हैं। सबसे पहले कॉपी यहाँ पर ये बताया जा रहा है, ये तो हालांकि काफी दिनों से है लेकिन अगर आप किसी डीएम के किसी डिस्ट्रिक्ट के ग्रुप में हो सीएससी वैली के तो वहां पर आपको नोटिफिकेशन मिल गया होगा कि अगर आपने सीएससी के थ्रू पैन कार्ड अप्लाई किए हो वो भी यूटीआई के थ्रू यूटीआई की वेबसाइट से, तो आपको पैन कार्ड का सारा डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल जो फिजिकल डॉक्यूमेंट्स होता है वो भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो इसके ऑफिशियल वेबसाइट में भी इसने लिख के रखा है, यहाँ पर हम हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है। हमारे उपयोगकर्ताओं पर ध्यान दें, एक बार यूटीआई टीएलएस को ऑनलाइन जमा करने के बाद अपने पास कोई भौतिक पैन फॉर्म और दस्तावेज ना रखे, मतलब अगर आप पैन कार्ड अप्लाई कर लेते हो फिर ऑनलाइन इसे सबमिट कर देते हो जो भी डॉक्यूमेंट्स है, उसके बाद कोई भी भौतिक डॉक्यूमेंट्स मतलब जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होता है हार्ड कॉपी फिजिकल डॉक्यूमेंट्स उसे ना रखे, दस्तावेज अभी भी आपके पास पड़े हैं, तुरंत आपके केंद्र से जुड़े यूटीआई टीएलएस कार्यालय में पहुंचे, तो आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स रखा गया है ओरिजिनल हार्ड कॉपी वो आपको भेज देना है एड्रेस में, एड्रेस भी आपको बताएंगे जो भी रिलीजन ऑफिस है आपका। तो चलिए सबसे पहले वो एड्रेस कहाँ पर मिलेगा, तो इसका जो भी लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो यहाँ पर देखोगे आपका जो भी स्टेट है स्टेट वाइज एड्रेस फाइंड कर सकते हो। देखो जैसे कि आप गुजरात से हो, महाराष्ट्र से हो, गोवा से हो, छत्तीसगढ़ से हो, तो इस वाले एड्रेस में आपको भेज देना है, यहाँ पर एड्रेस दिया गया है। और जैसे कि आप जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, तो इस वाले एड्रेस में आपको भेजना है। अगर आप यहाँ पर देखोगे अगर आप कोलकाता से, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, तो यहाँ पर देखो इस वाले एड्रेस में आपको भेजना है। साथ में ईमेल आईडी भी यहाँ दिया गया है कॉन्टैक्ट के लिए, किसी कारण अगर आपको जरूरत पड़ जाए तो यहाँ पर सभी का ईमेल आईडी दिया गया है, आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट है जैसे कि डॉक्यूमेंट्स ना भेजे तो क्या होगा, क्या हो सकता है, वो सारी चीजें यहाँ बताया गया है, आप चाहो तो आके पढ़ सकते हो। तो इसमें अभी काफी ध्यान दिया गया है, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है कहीं से भी अगर आप पैन कार्ड अप्लाई किए हो यूटीआई के थ्रू तो आपको पैन कार्ड का सारा डॉक्यूमेंट्स भेजना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आओगे, जो भी एड्रेस आपको मिला, या फिर सिंपल बताऊं अगर आप टेंशन नहीं लेना चाहते हो तो कोलकाता वाला एड्रेस में आप भेज सकते हो डायरेक्ट, कोलकाता का ऑफिस ही हेड ऑफिस माना जाता है, तो यहीं पर आप डायरेक्ट भेज सकते हो इस वाले एड्रेस पे, आप कहीं से भी हो डायरेक्ट यहाँ भेज सकते हो या फिर इन सारे एड्रेस में भी भेज सकते हो। तो अब चलिए थोड़ा ये भी जानकारी दे देते हैं आपको कि आप भेजोगे तो किस प्रकार कैसे आपको भेजना पड़ेगा। तो जैसे कि मान लो मुझे इस एड्रेस में भेजना है, मान लो हमें इस एड्रेस में भेजना है, तो ये एड्रेस हम कॉपी करेंगे। पहले आपके पास फॉर्म होना चाहिए, खाम होना चाहिए, तो चलिए वो भी हम आपको दिखा देते हैं। कुछ इस प्रकार से कोई भी दुकान से मिल जाएगा, यहाँ पर देखो कुछ इस प्रकार से आपको लेना है इसके अंदर, ये हालांकि छोटा होता है, आपको बड़ा वाला लेना है जो आपका सारा फॉर्म एक साथ हो जाए, आ जाए इसमें। इसको लेने के बाद एक सील कर देना है, सील करने के बाद आपको जो भी एड्रेस यहाँ आपको मिला है वो एड्रेस कॉपी करना है, आप पेंट फाइल या वर्ड फाइल या कोई भी फाइल आपको ओपन करना है। मैं आपको पेंट फाइल में दिखा देता हूँ, पेंट फाइल ओपन हो गया, फिर हमें टेक्स्ट लेते हैं और जो एड्रेस आपने कॉपी किया उसे यहाँ पर पेस्ट कर दो, ऊपर में लिख दो थोड़ा बड़ा करके, हो गया, ये थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं फॉर्म, यहाँ पर ये एड्रेस, यहाँ पर आपका एड्रेस आएगा, ठीक है, जो भी आपका एड्रेस है वो आपका पूरा एड्रेस डाल देना है, जो भी आपका नाम है वो सारा एड्रेस डाल देना है, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर दे देना है, ये हो गया। अब यहाँ पर आपको टू में जाना है, तो चलिए यहाँ पर टू में जाएंगे।
अब ये एड्रेस दिखा बिठा देना है, बस हो गया। अगर मोबाइल नंबर है या फिर टेलीफोन नंबर है तो वो नंबर भी यहाँ पर दे सकते हो, जैसे कि मान लो ये टेलीफोन नंबर हो गया बस। और इसका एक थोड़ा सा डिजाइन कर लो, जैसे कि इस तरह से ये आ गया। अब इसे प्रिंट कर लो, मान लो इसको A4 प्रिंट करना है। एक A4 साइज पेपर में 4 प्रिंट होगा, एक बार में 4 बार प्रिंट कर सकते हो। उसके बाद इसे कैंची से काट लो और ये वाला जो फॉर्म आपको मिला है, खाम मिला है ये वाला, उसके फ्रंट साइड में आपको चिपका देना है। आपको एड्रेस भी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये कॉपी पेस्ट करना है, प्रिंट करना है और उसके ऊपर आपको चिपका देना है फ्रंट साइड में। और एक प्लास्टिक कागज में भर दो ताकि एड्रेस भी दिखाई दे, ताकि बारिश वगैरह कहीं गिर जाए तो भीगे ना, खराब ना हो जाए। और उसे कोरियर कर सकते हो, कोरियर या नॉर्मल पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट, इन सारे चीजों से आप जो भी डॉक्यूमेंट्स है एक साथ भेज सकते हो। तो यही एक सिंपल प्रोसेस, अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स है ये सारे हार्ड कॉपी आपके पास नहीं होना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में यही जानकारी था, उम्मीद करता आपको समझ में आ गया होगा कि आपको, आपने अगर CSC से पेन अप्लाई किए हो यहाँ से तो सारा डॉक्यूमेंट्स आपको सेंड करना है हार्ड कॉपी। अगर आप नहीं जानते हो कि कितना अप्लाई किए हैं तो जो भी है आपके पास डॉक्यूमेंट्स वो सारा डॉक्यूमेंट्स भेज दीजिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है। तो यहाँ फिजिकल डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग रिपोर्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर देखो फिजिकल डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग, तो यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि कितना पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स है। तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स अभी पेंडिंग है मेरे पास, 55 डॉक्यूमेंट्स अभी तक हम नहीं भेजे, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स कुछ दिन के अंदर भेज देना होगा। जैसे ही भेज दोगे ये सारा पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स यहाँ से हट जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी जानकारी मिला होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके जाना, साथ में चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते फिर एक नए नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।